फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। दोस्तों, ये वीडियो है कि आप मसाले खाने से अपने चेहरे को गोरा बना सकते हैं। लगाना नहीं है, खाना है। जी बिल्कुल दोस्तों, मसालों से अपने चेहरे को किस तरह से आप गोरा कर सकते हैं, कैसे अपनी खूबसूरती को बरकरार रख सकते हैं, चलिए जानते हैं उसके बारे में। हमारी रसोई की शान यानी कि मसाले ना सिर्फ खाने में स्वाद बढ़ाते हैं बल्कि हमें सेहतमंद रखने में भी बहुत मदद करते हैं। तो दोस्तों, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ मसाले आपकी खूबसूरती बढ़ाने में बहुत मदद करते हैं? जी हाँ, जैसे कि दालचीनी, जीरा, हल्दी, काली मिर्च जैसे कई ऐसे और मसाले हैं जो हमारी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। तो इनका उपयोग हम करके बिना किसी साइड इफेक्ट के इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक प्राकृतिक रूप से हमारी सुंदरता को बढ़ाते हैं और ऐसा करने से हमारी ब्यूटी प्रोडक्ट्स पर होने वाले खर्च भी बच जाएंगे। तो देर किस बात की है, तो चलिए जानते हैं कि किस तरह से हम कैसे कुछ मसालों के बारे में ऐसे जानते हैं जो हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में हमारी मदद करते हैं। दोस्तों, झुर्रियां दूर भगाता है जीरा। दोस्तों, जीरा आपकी सेहत के लिए लाभदायक होता है। इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जिससे आपका पाचन ठीक रहता है। जीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंजाइम, विटामिन तथा मिनरल तत्व जो होते हैं वो हल्दी में भी होते हैं लेकिन इसमें भी होते हैं, और ये एंटी एजिंग गुण त्वचा में झुर्रियों को आने से रोकती है, उन्हें आने में हमें प्रोटेक्ट करती है हमारी स्किन को तथा त्वचा सुंदर और चमकदार भी बनाती है। नेक्स्ट है दोस्तों, टेनिंग दूर करती है दालचीनी। आप खाने में खुशबू तथा स्वाद बढ़ाने के लिए दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं लेकिन इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, मिनरल्स तथा विटामिन्स शरीर के में रक्त के प्रभाव को ठीक रखते हैं और उसे शुद्ध करने में हमारी हेल्प करते हैं जिससे आपकी खूबसूरती में निखार आता है। टेनिंग हटाने के लिए भी दालचीनी एक बहुत ही बढ़िया उपाय है। इतना ही नहीं, अगर हम बात करें कि अगर हम लेते हैं एक केला, एक छोटा केला राइट, तो 2 चम्मच आपको दही लेना है, 1 बड़ा चम्मच आपको दालचीनी पाउडर और 1/2 नींबू का रस, इनको मिक्स कर लीजिए और इसका एक पैक तैयार हो जाएगा। वो एक पतली परत अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट के बाद चेहरे पर लगाकर छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कीजिए, आपको बहुत फर्क नजर आएगा। अगर आप मुहासे दूर करना चाहते हैं अपने चेहरे से तो काली मिर्च बहुत प्रयोग आपकी हेल्प करती है, बहुत ही उपयोगी है मुहासों को दूर करने में। दोस्तों, किचन में आसानी से उपलब्ध होने वाला मसाला काली मिर्च जो तत्व है इसके अंदर, वो विषैले तत्वों को बाहर निकालने में बहुत हेल्प करते हैं। इसे पीस कर आप अपने फेस पैक में इसे मिलाइए तथा स्क्रब के रूप में इसका प्रयोग कीजिए और चेहरे की गंदगी और मैल को साफ करिए। इसके अलावा शहद और काली मिर्च से बना फेस पैक मुहासों की समस्या से छुटकारा दिलाने में हमें बहुत हेल्प करता है। इसे बनाने के लिए 1 चम्मच आपको शहद चाहिए, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, इसको मिलाकर एक फेस पैक तैयार कीजिए। फिर से इसे अपने चेहरे पर 1/2 घंटे के लिए लगाकर छोड़ दीजिए। जब सूख जाए तो अपने चेहरे को पानी से वॉश कीजिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, पिंपल्स बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। नेक्स्ट है त्वचा दमकाए हल्दी। ये तो हम सब जानते हैं कि हल्दी हमारे स्किन के लिए बहुत अच्छी है और ये हमारी स्किन की प्रॉब्लम्स को और गोरा करने में तो ये बहुत ही बढ़िया है। रसोई में मौजूद हल्दी से भी आप सुंदर और तमकदी त्वचा पा सकते हैं। हल्दी में एंटीसेप्टिक और एंटीऑक्सीडेंट गुण और मुहासों को दूर करने की, इसके अलावा झुर्रियों से निजात दिलाने की बहुत सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं। साथ ही त्वचा में मृत कोशिकाओं को हटाती है हल्दी और अद्भुत चमक हमारी स्किन में लाती है। 1 गिलास दूध में हल्दी डालकर पीने से खून साफ होता है जिससे स्किन में ग्लो आता है। थोड़ी सी हल्दी को बेसन के साथ मिलाकर पेस्ट बनाएं और इसे शरीर पर उपटन की तरह लगाएं, इस्तेमाल करें और आपकी त्वचा जो है डेफिनेटली चमकने लग जाएगी, आपका स्किन का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा।
रियली हल्दी बहुत अच्छी और बहुत बढ़िया चीज़ है स्किन के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों टोनर की, यानी कि टोनर का काम करता है सौंफ, राइट। चाय को खुशबू और बेहतरीन स्वाद देने वाला सौंफ त्वचा को स्वस्थ और मुहासों को दूर करने में बहुत हेल्प करता है। सुबह शाम अगर आप खाली पेट 10-10 ग्राम सौंफ खूब चबा चबा कर भोजन के साथ खाते हैं और खाने से इसकी त्वचा जो है आपकी वो उसमें रंग जो है धीरे धीरे निखरने लग जाता है। टोनर के रूप में भी सौंफ का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सौंफ के बीजों को धीमी आंच पर पानी में तब तक उबालें जब तक उनका जो पानी का तत्व है जो पानी में ना जाए, इनका रंग जो है पानी का वो बदल जाएगा। अब इस पानी को आपने ठंडा करना है और पीना है। ठंडे पानी को इस तरह से पीने से आपके चेहरे का जो रंग है वो धीरे धीरे निखरने लग जाएगा। तो दोस्तों आप इसको चेहरे से इस पानी से अपने चेहरे को वॉश भी कर सकते हैं, ये भी आपकी प्रॉब्लम को बहुत सॉल्व करेगा, स्किन को गोरा करेगा। अगर आप इसे पीते हैं तो आपका पेट जो है वो भी साफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे मसालों के बेहतरीन खजाना जो हमारी बॉडी के लिए और हमारी त्वचा के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। आप इन मसालों को दो तरह से यूज़ कर सकते हैं, बाहरी रूप से यूज़ करेंगे तो स्किन बाहर से बहुत अच्छी बनेगी, अगर आप इंटरनली यूज़ करेंगे लाइक खाने में यूज़ करते हैं तो भी आपकी त्वचा में इसका इफ़ेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो आज हमने जाना है दोस्तों मसाले खाने से हम अपने स्किन को कैसे गोरा बना सकते हैं, खूबसूरत बन सकते हैं, हेल्दी बन सकते हैं। तो दोस्तों इसे यूज़ कीजिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो हिट के बटन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अगर आपने वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है नहीं क्लिक किया है तो ज़रूर करें, ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी एक नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए और आप मेरी वीडियो को देख सकें। तो दोस्तों मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक गुड बाय, स्टे हेल्दी।